दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीके 20-20-20 घुलनशील खाद के बारे में। तो दोस्तों एनपीके 20-20-20 घुलनशील खाद क्या है और इसको कौन कौन सी फसल में हम लोग डाल सकते हैं, इसको कब और कैसे और कितने मात्रा में हम लोग डाल सकते हैं, इसको फसल में डालने के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसका प्राइस कितना है, तो पूरे डिटेल्स में आज हम एनपीके 20-20-20 घुलनशील खाद के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीके 20-20-20 क्या है। तो ये एक घुलनशील खाद है जो कि इसको फसल में स्प्रे किया जाता है और उसके अलावा ड्रिप में भी इसको यूज किया जाता है। तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पौधे को ग्रो करने के लिए 16 से 17 पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ता है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इसका। और इसमें जो मात्रा रहता है नाइट्रोजन 20% और फॉस्फोरस 20% और पोटेशियम 20%, इसीलिए इसको एनपीके 20-20-20 बोला जाता है। बात आती है दोस्तों इसका क्रॉप स्प्रे यानी कौन कौन सी फसल में हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग मिर्चा, टमाटर, बैंगन, लौकी, शिमला मिर्च, करेला, खीरा यानी किसी भी फसल में आप लोग इसको अगर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसका बेनिफिट। तो दोस्तों इसका फायदे की बात किया जाए तो जैसे कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का मात्रा 20% के रूप में दिया जाता है, तो नाइट्रोजन का काम पत्तियों को हरे करने का काम रहता है और फसल में वनस्पति विकास के समय हेल्प करने के लिए नाइट्रोजन का काम रहता है, और फॉस्फोरस का काम जड़ों को मजबूत करना और नए नए जड़ों का विकास करने का काम रहता है, और पोटाश का काम ये रहता है कि दाने को भरने के लिए ये काफ़ी अच्छा मदद करता है और उसके साथ साथ उत्पादन को भी वृद्धि करने के लिए हेल्प करता है। तो ये काम आप लोगों को 20-20-20 खाद के ऊपर देखने को मिलता है यानी माइक्रोफर्ट के ऊपर देखने को मिलता है। अब बात आती है इसका डोज यानी इसका कितने मात्रा में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग एक एकड़ के लिए 200 लीटर पानी के लिए या फिर 150 लीटर भी पानी ले सकते हैं और उसमें आप लोगों को 1 केजी एनपीके 20-20-20 घुलनशील खाद को मिला सकते हैं और 1 लीटर पानी के लिए आप लोग 5 ग्राम इसको डाल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है इसका स्प्रे टाइम यानी हम लोग कौन सी टाइम पौधे का होता है तब हम लोग इसको स्प्रे करते हैं ताकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। तो दोस्तों पौधे का जब वनस्पति अवस्था में रहता है तो उस टाइम पे अगर आप लोग स्प्रे करते हैं यानी जैसे ही पौधे बुआई करने के बाद 40 से 50 दिन हो जाता है तो उससे पहले ही आप लोगों को स्प्रे करना है इस खाद को, तभी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसका बात आती है प्राइस। तो दोस्तों इसका मार्केट में 200 से 250 रुपये के अंदर 1 केजी का पैकेट मिल जाएगा। यहाँ पर ये एरिज कंपनी का पैकेट है माइक्रोफार्ट के नाम पर, आप लोग किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों एनपीके 20-20-20 घुलनशील खाद के बारे में पूरे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई सुझाव या सवाल रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।